राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के पारादीप में पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा आयोजित बोईता बंदना समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया, साथ ही पोर्ट टाउनशिप के लिए नए जलाशय और जल शोधन संयंत्र तथा अगली पीढ़ी के पोत यातायात प्रबंधन और सूचना प्रणाली की आधारशिला भी रखी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुंबई की एक दिवसीय यात्रा पर है। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने श्रीमद् राजचंद्र की जयंती आत्मकल्याण दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने श्रीमद् राजचंद्र के भित्ति चित्र का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में विश्व प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के हिस्से के रूप में 995 ग्राम पंचायतों में 5,470 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं। शिविर में 7,82,000 से अधिक लोग शामिल हुए। शिविर में 1,95,000 से अधिक लोगों की टीबी और 54,000 से अधिक लोगों की सिकल सेल रोग की जांच की गई। यात्रा का उद्देश्य पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाना है।